अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड का मतलब पहले आप जानते हैं एवरी मटेरियल दैट कैन फ्लो, हर वो मटेरियल जो फ्लो करे उसको फ्लूइड कहते हैं। तमाम गैसेस भी फ्लूइड हैं, तमाम लिक्विड्स भी फ्लूइड हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप्स के फ्लूइड फ्लो होते हैं। पहले नंबर पर स्ट्रीमलाइन या इसको लेमिनर फ्लो कहते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखें, ये एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है और इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसकी लेयर्स जो है वो उनके दरमियान में डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि वो कंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन उनकी तरतीब में फ़र्क नहीं आता। तो ऐसा फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो में होता है। हम इसको डिफाइन यूँ करेंगे, द फ्लो इज सेट टू बी स्ट्रीमलाइन या लेमिनर इफ़ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव अलॉन्ग एग्जैक्टली सेम पाथ एज फॉलोड बाई पार्टिकल विच पासिस दैट पॉइंट अर्लियर। यानी कि हमारे पास सपोज करें ये पॉइंट है, हर पिछला पार्टिकल उसी पॉइंट से गुजरेगा जिससे जिस पॉइंट से उसे पहला वह पार्टिकल गुजर कर गया है। यानी कि अगर लेट से ये कोई पॉइंट है तो हर पिछले आने वाला पार्टिकल बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पाथ से या उसी पॉइंट से गुजरेगा जो इससे पहले वाले पार्टिकल जो है वो जिस पॉइंट से गुजर कर गए हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली जो है वो स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो में होता है। हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो। द रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड को भी स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो कहते हैं। तो दोनों तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि मतलब फ्लूइड इस तरह से फ्लो करे कि हर पिछला पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करे जो इससे पहले वाले पार्टिकल जिसको फॉलो करके गए हैं। यानी कि ये स्ट्रीमलाइन की एक खासियत है जो यहाँ पर होती है। या हम इसको यूँ भी डिफाइन करते हैं, द रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड लेमिनर फ्लो। अब दूसरी कैटेगरी का टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट जो है वो लेमिनर फ्लो के अपोजिट है। इसमें तो हमने कहा है कि हर पिछला पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करेगा जो इससे पहले वाले पार्टिकल जिसको फॉलो करके गए हैं, लेकिन टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होता। टर्बुलेंट में देखें, ये हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल है, प्लेट है, तो यहाँ पर लेयर्स आने के बाद इनकी जो तरतीब है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास हर पार्टिकल उस पाथ को फॉलो नहीं करता, पिछला पार्टिकल जो उससे पहले वाले पार्टिकल फॉलो करके गए हैं। तो ये इसको हम डिफाइन यूँ करते हैं, द इररेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ये फ्लो जो है वो इररेगुलर होता है, अनस्टेडी होता है, तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेडी फ्लो के अपोजिट होता है। वी कैन अंडरस्टैंड मैनी फीचर ऑफ फ्लूइड इन मोशन बाई कंसिडरिंग द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। हम हमेशा आइडियल सिचुएशन लेते हैं, आइडियल सिचुएशन की सूरत में ही हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं या मुख्तलिफ इसके फीचर को, फ्लूइड फ्लो के फीचर को समझते हैं। वो आइडियल कंडीशन क्या है, फ्लूइड इज नॉन विस्कस। फ्लूइड जो है वो विस्कस नहीं होना चाहिए। विस्कस का मतलब होता है उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन होगी, और नॉन विस्कस का मतलब है तो फ्लोइंग फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। तो ये हमारे पास है। दूसरे नंबर पे फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। जब फ्लूइड कंप्रेस होता है तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने ये कहना है फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, फ्लूइड की मोशन स्टेडी होगी। स्टेडी फ्लू मोशन का मतलब वही होता है जो स्ट्रीम या लाइन या लेमिनर फ्लो का मतलब होता है। तो यानी कि ये जो बात कही गई है कि फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, इसका मतलब यही है फ्लूइड फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन या लेमिनर होना चाहिए। यानी कि हम फ्लूइड के बिहेवियर को तभी समझ सकते हैं जब फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और उसका फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए। जब ये तीन बातें होंगी तभी हम इसकी मुख्तलिफ इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर सकती हैं। यानी कि ये आइडियल सिचुएशन है, आइडियल कंडीशन हैं, इन कंडीशन पर ही हम इसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतने काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।